गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अबाउट क्राउड साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट वाइल ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट. व्हेन अ बायर वांट्स टू बाय इन रैली मोड, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट इन रैली मोड, बट द शॉर्टर डज नॉट वॉन्ट टू सेल द पोजिशन, तो उसका मतलब ये है कि बायर को किसी और बायर के पास भी बाय करना होगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसने पहले ही पोजिशन बाय किया रहेगा और इस समय वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है. ऐसे सिनारियों में ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते, ओपन इंटरेस्ट में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं होते एंड ओपन इंटरेस्ट रिमेंस अनचेंज. जब भी आप ऐसा सिनारियो देखते हैं तो समझना है कि वहाँ पे जो बायर है उसने किसी और बायर के पास से नया पोजीशन बाय किया है, जो पहले ही पोजीशन बाय कर चुका है और इस समय वो प्रॉफिट बुक कर रहा है. तो जब भी एक बायर और सेलर सामने सामने कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज नहीं करते हैं तो तभी उसी समय ओपन इंटरेस्ट अनचेंज रहता है. जब आप देखते हैं कई बार ओपन इंटरेस्ट फ्लैट होता है, कोई चेंजेस नहीं होते, उसका मतलब ये है कि लूजर्स वहाँ पे कम हो चुके हैं और विनर्स ज़्यादा हो रहे हैं. तो जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तभी भी आपको मार्केट में साइडवेज होना है और कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट नहीं करने हैं. थैंक यू.